हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से सुबह पूछा था कि क्या हम सीबीएसई के क्लास ट्वेल्थ का जो इस प्रकार का अनफेयर रिजल्ट घोषित किया गया है, क्या इसको लेकर हम ट्विटर पर अभियान चला सकते हैं, तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्रों ने इसको लेकर यस कहा है। तो दोस्तों मैंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है, हैशटैग चला दिया है दोस्तों। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने ट्विटर अकाउंट से हैशटैग एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स मैटर, जी हाँ दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैशटैग एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स मैटर, और दूसरा दोस्तों री एग्ज़ाम फॉर ऑल, यानी हैशटैग यूज़ करना है आपको, फिर री एग्ज़ाम फॉर ऑल करना है, ये आपको रीट्वीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप रीट्वीट करें, कम से कम आप हर एक बच्चा जो है, हर एक विद्यार्थी 10-10 लोगों से रीट्वीट करवाए, ताकि हमारा जो ये अभियान वो ट्रेंडिंग में आ जाए, क्योंकि कहा जाता है ट्विटर पर वही ट्रेंडिंग करता है जो हज़ार से ज़्यादा रीट्वीट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस अभियान को सफल बनाइए, ताकि सीबीएसई तक ये बात पहुँचे, पीएम इंडिया तक ये बात पहुँचे, शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुँचे कि सीबीएसई स्कूलों द्वारा किस प्रकार से छात्रों के साथ भेदभाव किया गया है और रिजल्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। तो दोस्तों ये तो एक ट्वीट की बात। दूसरी बात दोस्तों, बहुत से बच्चों का जो कमेंट आ रहा था, तो कमेंट दोस्तों मैं हर किसी की रिप्लाई नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों अभी एक लेटर लिख रहा था, लेटर लिखने में बहुत ज़्यादा बिजी था, लेटर पूरा हो चुका है। अब दोस्तों कल मंडे को लेटर लेके जाऊँगा मैं सीबीएसई ऑफिस। अभी दोस्तों मैंने जिन भी बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उनसे मैं एक बार फिर से क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि हम सर री एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरें, तो उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि री एग्जाम को लेकर दोस्तों सीबीएसई ने भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिए। हाँ, सीबीएसई ने जरूर कहा था कि क्लास टेंथ का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उस दिन या उसके अगले दिन आपके री एग्जाम के या तो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या आप जिस स्कूल में क्लास ट्वेल्थ में थे उसी स्कूल में दोस्तों आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म मिलने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जब भी फॉर्म आएगा हम आपको पूरे तरीके से आपका साथ देंगे इस फॉर्म को फिल करवाने में, ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों ये है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम अगर एग्ज़ाम देंगे, अगर मान लें अगर हमारा इससे ज़्यादा इससे कम नंबर आ गया, तो क्या हमारा मार्क्स अभी वाला जुड़ेगा और जो एग्ज़ाम देंगे वो जुड़ेगा। तो मैं दोस्तों ये वाली बात मैंने पहले बता दी, एक बार और बता देता हूँ कि यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं और आप अच्छे नंबर लाते हैं, तो आपका अच्छा वही नंबर जुड़ेगा जो आप एग्ज़ाम के बाद लाते हैं, ठीक है। अगर आपके अभी मान लेते हैं किसी बच्चे के 60% है, यदि उसके 80% आके एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसका मार्क्स में जो मार्कशीट है दोस्तों उसमें वो 80% ही जुड़ेगा, ना कि 60% रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के 85% है, अगर वो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसका अगर एग्ज़ाम देने के बाद 80% आ जाता है, तो उसका वो 80% ही जुड़ेगा, ना कि 85%। तीसरा सवाल दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के ये था कि क्या सर हम किसी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि सीबीएसई ने कहा था कि हम एग्ज़ाम जब परिस्थिति अच्छी हो जाएंगी तो एग्ज़ाम लेंगे, तो केवल हम मुख्य विषयों का ही एग्ज़ाम लेंगे, यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी। जिस भी आप सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं और साइंस हैं, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, उन मेन सब्जेक्ट की ही परीक्षा री एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा। ये सीबीएसई ने अपने पहले नोटिफिकेशन में दोस्तों पूरी तरह से क्लियर कहा था। बट अभी दोस्तों सीबीएसई अगर नोटिफिकेशन जारी करती है, उसमें उसका क्या निर्णय होता है, वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, क्लियर हो दोस्तों। अब एक प्रश्न बहुत ज़्यादा दोस्तों बच्चों की है कि सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया, स्कूलों ने साफ तौर पर भेदभाव किया, क्या हम स्कूलों के खिलाफ कोई FIR करवा सकते हैं। तो दोस्तों स्कूलों के खिलाफ आप FIR नहीं करवा सकते, आप अगर आप जाते हो तो DVO ऑफिस, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस, वहाँ पर उनके खिलाफ पत्र के माध्यम से कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बट ये एक सही तरीका नहीं होगा। हमें CBSE के नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन, उसका वेट करना होगा। हो सकता है CBSE आपके बारे में संज्ञान ले रही हो, क्योंकि अभी देखने में आया कि बहुत से स्कूलों को नोटिस जा चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के कुछ स्कूलों को नोटिस जा चुका है, इवन 2 केंद्रीय विद्यालय को भी नोटिस जा गया हुआ है कि उन्होंने अपने रिजल्ट में धोखाधड़ी किया और फर्जीवाड़े तरीके से बच्चों को नंबर दिए हैं, और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था उनको भी एडमिशन लेकर उनको अच्छे नंबर से पास कर दिया है। तो ये हालांकि CBSE ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, बस हमें वेट करना है दोस्तों कि CBSE जल्द से जल्द ये जो क्रिया वो काम है वो पूरा करे, और हमें एक जस्टिस तरीके से नंबर दिया जाए, एक इंसाफ जो होना चाहिए, एक क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी को नंबर की दरकार होती है, क्योंकि अगर सही में एग्ज़ाम होते
तो आपकी गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले गए, तो आपको डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे एक फ्रेंडली तरीके से एक दोस्त के नाते बता रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, रिजल्ट तैयार करने वालों की गलती है, चाहे वो आपके स्कूल वालों ने गलती की है, चाहे आपके टीचर ने गलती की है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप देते तब आपकी गलती होती है, एग्ज़ाम हुए नहीं है तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो स्कूलों के पास और टीचर के पास मनमानी करने का पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे। आखिरकार वही हुआ दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि 12 साल हम इस चीज़ का वेट करते हैं एग्ज़ाम के लिए। परिस्थितियाँ सुधर चुकी थी, मान लो अगर अभी हम री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी भी तो इतनी परिस्थितियाँ हैं, ऐसे ही हैं कि मान लो कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर क्या होगा। परिस्थिति अभी भी तो पूरी तरह से कोरोना नहीं गया है, तो ये एग्ज़ाम पहले भी लिए जा सकते थे, बट दोस्तों विद्यार्थियों पर लगातार ये चीज़ें हो रही हैं कि हमें ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है कोरोना की वजह से। पहले अभी तो क्लासेस भी नहीं लग रही हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, रिजल्ट आ रहा तो रिजल्ट ढंग से नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस जो हमने एक अभियान चलाया ट्विटर पर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रीट्वीट करेंगे तभी दोस्तों वो ट्रेंडिंग में करेगा, क्योंकि हमारा चैनल दोस्तों बहुत छोटा है। अगर आप लोग संख्या बल से ही इस पर सहयोग करेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे अपने इस अभियान में। तो दोस्तों इस अभियान को सफल बनाएं, और सफल बनाने के लिए दोस्तों आपको सिंपल तरीके से रीट्वीट करना है, हैशटैग यूज़ करना है, स्क्रीन में आपको बता दें क्या करना है। तो इस तरीके से हम दोस्तों सीबीएसई तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी दोस्तों क्लास 12 के री एग्ज़ाम से कंपार्टमेंट से संबंधित, वो सारी दोस्तों मैं आप सभी तक लेकर आऊँगा, जब भी आ जाए तुरंत लेकर आऊँगा। वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और रीट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।